बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो वजीफ़ा है वो कोई भी मकसद हासिल करने के लिए, दुश्मनों के शर से बचने के लिए और इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा मुजरब अमल है। ठीक है, ये विर्द है। ठीक है, इसको आप दिन में कई दफ़ा पढ़ सकते हैं। सूरह आले इमरान की 154 नंबर आया है, सुम्मा अंज़ला अलैकुम से ये शुरू होती आया, 154 नंबर आया सूरह आले इमरान की। इसमें एक वर्ड आता है कुल इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह। इस आयत के अंदर कुल इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह, ये जब वर्ड आए तो यहाँ पर अपने दिल को में जो भी आपका मकसद है उसको दिल में सोचिए। ठीक है, और जब ये वर्ड आए तो ख़्वाह उसमें वो शादी के लिए है, चाहे वो हज उमरे के लिए है, चाहे इसमें इल्म इजाफ़ा के लिए है, इल्म इजाफ़ा हो हमारे उसके लिए हो, दुश्मनों के शर से बचने के लिए हो, जो भी आपकी हाजत है जिस किस्म की भी हो, कोई भी मकसद हो आपका, तो उसके लिए आप जो है ना ये पढ़ सकते हैं। जब कुल इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह आए तो दिल में फिर उस मकसद को याद करें और अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर इस आयत को जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, बस ये अमल है। आयत मैंने आपको पूरी पढ़ के नहीं सुनाई, 154 नंबर आया है सूरह आले इमरान की, ये फोर्थ पारे में हाफ़ जहाँ पे होता है उससे टू पेजेस पहले ये आयत आती है। ठीक है, सुम्मा अंजला से शुरू होती है, कुल इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह, जब ये वर्ड आए तो दिल में अपने मकसद को याद करें जो भी मकसद है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला जो भी मकसद होगा आपका वो आप उसको हासिल कर लेंगे। मकसद मैंने आपको बता दिया, दुश्मनों से हिफाजत के लिए है, हज पे जाना, उमरे पे जाना है, शादी के लिए है, कारोबार में बरकत के लिए है, इल्म इजाफे के लिए है, इस तरह के जो भी मकसद है उन सब मकसद के लिए आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं।